आज कोई एक 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले की बात है, यहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स बल वगैरह आया था, वो कोई 100-150 पुलिस बंदे आए थे। अच्छा, तो ऐसे डर का माहौल बन गया कि पता नहीं क्या बात हो गई क्या पैनिक नहीं। हो गया। हाँ, एलजी मनोज सिन्हा के साथ हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ से, उन्होंने बोला था कि हम आपको दुकानों के बदले दुकानें हम इस समय नई बस्ती में मौजूद है, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हो पुलिस तैनात है। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले सिचुएशन जो थी पैनिक हो गई थी, क्योंकि हालात यहाँ पर गंभीर हो गए थे, क्योंकि जो दुकानें हैं यहाँ पर लगभग 20-25 दिन पहले भी 3-4 दुकानें तोड़ी हुई थी, और आज फिर से सुबह पुलिस यहाँ पर तैनात हो गई थी और हालात जो खराब हो गए थे। और जब लोगों ने मिलकर इनसे पूछने की कोशिश की, तब उनको जानकारी मिलती है कि जो दुकानों का सिलसिला है वो तोड़ने वाला फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन उस तरह के हालात यहाँ पर नहीं बने। और कुछ दिन पहले ये दुकानदार आज ही प्रशासन से भी मिले थे, वहाँ पर भी डेलीगेशन लेकर गए थे, उसने उन्हें कहा कि आपको दुकान के बदले नई दुकान दी जाएगी। सर, आपने अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, मैं आज नई बस्ती बाजार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज कोई 1.5 घंटे पहले 2 घंटे पहले की बात है, यहाँ पर बहुत पुलिस फोर्स बल वगैरह आया था, वो कोई 100-150 पुलिस बंदे आए थे। अच्छा, तो ऐसे डर का माहौल बन गया कि पता नहीं क्या बात हो गई क्या नहीं हो गया। हाँ, तो हमने ऐसे मतलब एक पुलिस वाले से पूछ लिया भाई क्या बात है, वो बोलने लगे भाई दुकानें तोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो हमें और ज्यादा डर का माहौल बन गया, आगे भी ऐसे तोड़ी। हाँ, पहले 20-25 दिन पहले भी आए थे, तोड़ वगैरह के चले गए थे, अभी नाला वगैरह बना रहे हैं, तो अभी हमारा काम वैसे बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, पहले कितनी दुकानें तोड़ी? पहले तो 3-4 दुकानें ही तोड़ी थी, आगे शेड तोड़े थे उन्होंने वगैरह। अच्छा, तो बाथरूम वगैरह जो शौचालय है वहाँ वो तोड़ा हुआ था। अच्छा, तो अब ऐसे डर का माहौल बन गया, बहुत लोग आलने बस बिजार एसोसिएशन का प्रेजिडेंट है, उनको फोन किया। अच्छा, और दुकानदार जितने भी नई बस्ती के वगैरह सारे बाहर आ गए, तो एनएच वाले भी आए हुए थे जहाँ पे, और नायब तहसीलदार से पूछा हमने कि भाई क्या बात है ये, बोलते कोई बात नहीं कुछ नहीं, वो कैंसिल हो गया। मैंने कैंसिल किया हुआ है जो, बोलते नहीं वो हमसे कोई बात करनी थी ना, बात करनी तो इतनी पुलिस फोर्स लाने की क्या जरूरत थी। नहीं, बोलते नहीं नहीं पुलिस फोर्स कोई ऐसे नहीं, क्यों कोई और काम के लिए आई है। तो जब मैंने पुलिस वालों से पूछा, बोलते नहीं वो तोड़ने के लिए हमें बुलाया हुआ है। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि हम रोड के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं रोड बने, और रोड बनना भी चाहिए, क्योंकि अभी जाम बहुत लग रहा है, जाम की इतनी स्थिति बन जाती है, कोई पेशेंट जाता है एम्बुलेंस जाती है तो जाम इतना होता है। दविंदर सिंह राणे से भी मिले थे, क्या आश्वासन दिए गए? उन्होंने तो यही बोला था कि दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी। एलजी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने यही बोला था कोई आम तोड़ने से पहले आपको बसाएंगे। अच्छा, फिर तोड़ी जाएंगी दुकानें। हाँ, बात हुई थी कि पहले हम दुकानें देंगे आपको, फिर दुकानें तोड़ेंगे। कहाँ देंगे वो नहीं बताया? ये नहीं बताया, बोल रहे वो आपको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज देंगे? हाँ, बताएंगे आपको कहाँ देनी है, लेकिन देंगे हम अच्छी हार्ट ऑफ सिटी। उन्हें ये लगता वो आश्वासन दिया गया था, रियलिटी में देंगे? अभी तो जैसे हिसाब से जब पुलिस आ रही है तो ऐसे तो फिर डर का माहौल ही बना हुआ है, डर का माहौल ही लग रहा है, जैसे क्या क्या कह सकते हैं हम। अब देख ही रहे हो कैसे है, अभी दुकानें तोड़ रही है, तोड़ो, हम थोड़े कहते नहीं तोड़ो, हम खुद तोड़ लेते हैं, सिर्फ हमें जगह दी जाए हम बना भी खुद लेंगे, हम बनाए भी खुद, हमें सिर्फ जगह अलाटमेंट की जाए हम बना भी लेंगे, हम तोड़ भी देंगे। इन सरकार को कोई पुलिस लाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद तोड़ देंगे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्योंकि आप बता रहे हो सुबह से एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई थी। तो बनी थी वो, अभी जब हम सारे बाजार एसोसिएशन के प्रधान और जितनी 500 दुकानें हैं सब दुकानदार वगैरह इकट्ठे उठे हुए, तो फिर वो चले गए सारे। कब से आपकी दुकान है? आप हम तो 70 साल से कर रहे हैं दुकान इधर, पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर हमारे डैडी करते थे, अब हम कर रहे हैं, अब आगे हमारे बच्चे से। मुआवजा तो नहीं के बराबर है, मुआवजा क्या दे रहे हैं? वो मुआवजा दे रहे हैं 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, किसी को 70,000 रुपया दे रहे हैं, किसी को 1,00,000 रुपया दे रहे हैं। 1,00,000 रुपये से क्या होता है? इतना तो हमने दुकानों का किराया उससे तो 4 गुना हमने ज्यादा दुकानों का किराया दे दिया हुआ है। हम किराया देते हैं, हम कोई वैसे बैठे थोड़े हुए हैं, सरकार के बसाए हुए हैं हम यहाँ पे, हम ऐसे नहीं बैठे हुए यहाँ पे, 70 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बाकी सरकार से हमारी यही अपील है कि पहली बात तो तोड़नी चाहिए, अब तो बन गया सारा सिस्टम हमारा, अब तो बन गया है। हाँ, जो रोड में आ रही हैं उनको तोड़ा जाएगा, तोड़ना भी तो, लेकिन उनको भी तोड़ने से पहले बसाया जाए कहीं। लगभग कितनी दुकानें हैं? 39 दुकानें हैं सर। अच्छा, और तोड़ी कितनी है? तोड़ी तो अभी 2-3 दुकानें जो पहले तोड़ी। हाँ, बस वही, उसके अभी छेड़ा नहीं उन्होंने बाकी। यही हमारी मांग है प्रशासन से कि जो तोड़ने से पहले कहीं बसाया जाए उनको। अच्छा, क्योंकि एक दुकान के पीछे सारा घर का सर्कल माहौल चलता है, घर का सर्कल चलता है, सिस्टम चलता है, दुकानों में लड़के काम करते हैं उनका सर्कल चलता है। अगर तोड़ कितने फैमिलियां पल रही?
40 दुकानों में कम से कम भी 700-800 फैमिली पलती है। 700-800। हाँ, अभी एक फैमिली अगर एक दुकान है तो 5 भाई होंगे, 5 भाई अगर 5 फैमिली वो चल रही हैं, उनके उनके मुलाजिम होंगे, उनके बच्चे भी हैं आगे, सारा सिस्टम चलता है ऐसे। वो एक फैमिली एक दुकान के साथ एक सिस्टम थोड़ी चलता है, 10-15-20 दुकान एक फैमिली के साथ, एक दुकान के साथ 20 फैमिली पलती है। क्या मांग रहेगी आप? हमारी यही मांग है प्रशासन से कि हमें दुकानों के बदले दुकानें दी जाएं, पहले दुकानें दी जाएं फिर तोड़ी जाएं, बस हम यही मांग करते हैं प्रशासन से। हमें कोई रोड से, हम रोड के खिलाफ नहीं है कि रोड नहीं बने, रोड बने, जल्द से जल्द बने, जल्द से जल्द हमें दुकानें दें, जल्द से जल्द हम शिफ्ट करेंगे। मेरा नाम सुमित झंडेयाल है। हमारी हाल ही में दुकान टूटी थी, जब सबसे पहले दुकान हमारी आ गई थी तो वहाँ पर तोड़ी थी उन्होंने, तो आज फिर से पुलिस वाले बहुत इकट्ठे हो गए थे यहाँ पर। हमें पता नहीं था क्यों आए हैं, आज क्यों आए थे हमें खुद नहीं पता, हम खुद ही ऐसे चंबे में रह के कैसे आ गए यहाँ पर, इतनी पुलिस हमने देखी नहीं कभी। इतनी पुलिस उसी वक्त देख रहे थे जब कर्फ्यू वगैरह होता था, तो मैंने एक दो पुलिस वाले हमारे आगे ही खड़े थे सारे, तो मैंने उनको पूछा मैं आप कैसे आए हो, मैम भी थे उसमें, मतलब पुलिस वाले भी थे, वुमेन भी थे, तो मैंने उनको पूछा आप कैसे आए हो, तो उन्होंने कुछ, उनको खुद ही नहीं पता था हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, तो वो बोलते हाँ, फिर मतलब ऐसा कितनी देर तक मैं सबसे पूछता रहा, उनको किसी को नहीं पता था कि हम क्यों आए हैं। फिर उधर एक ASI आए और एक सब इंस्पेक्टर आए, वो बोलते कि टेबल दो मुझे, मैंने बैठना है, तो मैं टेबल दिया, पानी मुनी पिलाया उनको, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर दुकानें टूटनी है। अच्छा, तो मैंने बोला ये दुकानें आपको GMC ने लौट दिया, JDA की दुकानें? ये JMC की भी नहीं है, JDA की भी नहीं है, कस्टोडियन के अंदर घर आते थे, उधर बाहर हमने दुकानें ली थी, हम 60 साल पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, 60 साल पुराने बैठे हैं। अभी तो कुछ नहीं, अभी बात चल रही है, उन्होंने डिपकॉम साहब ने और हमारे मतलब कि जो है LG मनोज सिन्हा के साथ हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ से, उन्होंने बोला था कि हम आपको दुकानों के बदले दुकानें देंगे। पहले शायद देविंदर सिंह राणा से भी आपकी मीटिंग हुई? जी जी, वो ही लेके गए थे हमें वहाँ पर। क्या कहते हैं, LG मनोज सिन्हा से मिलाने के लिए वही लेके गए थे। हाँ जी, मैं नहीं मिल रहा था, मतलब हमारे बड़े गए हैं सारे, जो हमारे यहाँ से बड़े हैं सारे वो गए थे, उन्होंने बोला कि दुकानों के बदले दुकानें मिलेंगी फिर ही दुकानें टूटेंगी। उन्होंने बोला था दुकानों के बदले दुकानें मिलेंगी? जी 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 जी, ये बोला हुआ उन्होंने। तो अब वो ऐसे ही आए थे, अब हमें खुद भी नहीं पता, तो अब जब हमारे कॉर्पोरेटर है पवन सिंह जी और हमारे प्रधान है नई बस्ती बाजार एसोसिएशन के नवीन गुप्ता जी, वो सारे इकट्ठे हो गए, हमने उनको मतलब एक दूसरे के संपर्क में सारे, उन्होंने बोला तो वो सारे आ गए यहाँ पर, तो फिर वो चले गए वापस पुलिस वाले। लगभग कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? 39 दुकानें हैं जो टूटने में है। और कहाँ आपको दुकानें नहीं मिलेंगे बताएं? ये नहीं पता हमें, कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं पता। हाँ, वो बोला कि देंगे दुकान के बदले दुकान मिलेगी, ये पूछा बोला। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की आज? वो यहाँ पर खड़े रहे काफी देर तक, मतलब कोई 12 बजे आ गए थे, 12 बजे तक यहाँ, 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे तक यहाँ पर खड़े रहे 1 घंटा तक। तो जब हमारे सारे दुकान बाजार एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हो गए, जब यहाँ पर बाहर आ गए सारे दुकानों से, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो चले गए। निष्पक्ष क्या निकला? कुछ पता ही नहीं चला, हम खुद ही नहीं, हमें खुद ही नहीं पता चला हुआ क्या, हमें कुछ भी नहीं पता।